चारे की तलाश में मंदिर के पास पहुंचा सांड 30 फुट गहरे कुएं में गिर गया। सूचना के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर 30 फुट गहरे कुएं में गिरे सांड को कुएं से बाहर निकाला। सूचना के घंटों बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। आपको बता दें 30 फुट गहरे कुएं में गिरे सांड का मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव कपूरा का है। जानकारी के अनुसार सुबह ग्रामीणों को गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पास 30 फुट गहरे कुएं सांड गिरने की सूचना मिली, तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने कुएं में गिरे सांड की सूचना वन विभाग को दी। लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी जब वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने खुद ही कुएं में उतरकर सांड को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया। करीब 1 से 1.5 घंटे चले ग्रामीणों के रेस्क्यू के बाद 30 फुट गहरे कुएं में गिरे हुए सांड को ग्रामीण ने बाहर निकाल दिया। वहीं ग्रामीणों के साथ मिलकर कुएं में उतरकर सांड को कुएं से बाहर निकालने वाले ग्रामीण SO पहलवान ने बताया कि सुबह खेत पर शौच करने आया था, उसे कुएं में सांड गिरने की सूचना मिली जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। क्या नाम है आपका? SO पहलवान। अच्छा, ये जो अभी आप लोगों ने कुएं से सांड को निकाला है, कैसे जानकारी हुई? जानकारी ऐसे हुई थी, हम लैटिंग करने आए खेत पर और जिग किल्ला रहा था नीचे से, हम सभी गांव वालों ने मिलकर जिसे बाल निकाल लिया। कितनी देर में निकाला गया? करीब 1.5 घंटा हो गया निकालते निकालते। मतलब कोई मतलब वन विभाग टीम या पुलिस वगैरह कोई नहीं आया? फोन ना उठाया होगा उन्हें। अच्छा, इसलिए आप लोगों ने अपने अभी रेस्क्यू कर लिया? अभी मदद से निकाल दिया सबने। ठीक।